कोरम नहीं है। माननीय सदस्यगण, यहाँ तकनीकी रूप से कोरम तो पूरा है, परंतु माननीय सदस्यों का सदन में न होना इस महत्वपूर्ण विषय पर हो रहे वाद विवाद में न होना ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ रश्मि। बीजेपी और जेडीयू के बीच की जो दूरियां हैं वो आज बिहार विधानसभा में भी देखने को मिली, जहां पर उत्कृष्ट विधायकों पर हो रही परिचर्चा के बीच अचानक ही जेडीयू के विधायक सदन से उठकर चले जाते हैं। बात अगर हम करें तो पहली बार बिहार विधानसभा सत्र के दौरान ऐसा देखा गया है कि विपक्ष के लोग ही सदन से उठकर चले गए, जिसके बाद स्पीकर विजय सिन्हा का ज्यादा आहत हुए हैं, दुख उन्हें हुआ। और यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर स्पीकर विजय सिन्हा ने अपनी बातें सामने रखी और यह भी कहा कि इस तरह से सत्ता पक्ष के लोगों का सदन से वॉकआउट कर जाना कहीं से भी सही नहीं है। आपको बताएं कि आज आरजेडी ने बिहार विधानसभा सत्र का बहिष्कार कर दिया, लेकिन जब सत्र शुरू हुआ तो उस दौरान जनता दल यूनाइटेड के विधायक भी वहां मौजूद नहीं थे और जो इक्का दुक्का विधायक थे वो भी वहां से चलते बने। और यही वजह है कि इस पूरे मामले के बाद स्पीकर विजय सिन्हा कहीं ना कहीं नाराज भी नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा जनता दल यूनाइटेड की तरफ से था। ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें सदन के भीतर से देखने को मिली है और साथ ही साथ इस पूरी घटना को लेकर स्पीकर विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा है, छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे वीडियो के साथ। कोरम नहीं है माननीय सदस्यगण, यहाँ तकनीकी रूप से कोरम तो पूरा है, परंतु माननीय सदस्यों का सदन में न होना इस महत्वपूर्ण विषय पर हो रहे वाद विवाद में न होना ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इस विमर्श में विपक्ष के सभी सदस्यों को उपस्थित रहना चाहिए था, तभी इस विमर्श की सार्थकता होती। माननीय सदस्य, उत्कृष्ट विधायक की जब हम बात करते हैं तो हमारे मन में एक ऐसे माननीय विधायक की तस्वीर उभरती है जो सदन के अंदर और बाहर जन समस्याओं के प्रति गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सक्रिय, सकारात्मकता, सार्थक और रचनात्मक व्यवहार का प्रदर्शन करे। विधायक कार्यों, सदन की बैठकों, समिति के कार्यों में कार्य निष्ठा और अभिरुचि के साथ भागीदारी करे। सरकारी योजनाओं का धरातल पर अपेक्षित क्रियान्वयन करा सके। सार्वजनिक जीवन में सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी आचरण, व्यवहार एवं कार्यशैली का प्रदर्शन करें। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ 10वीं लोकसभा, जिसका कार्यकाल 1991 से 1996 तक था, वे उत्कृष्ट सांसद का सम्मान दिया जाता है। भारतीय संसदीय समूह द्वारा एक सुनिश्चित मापदंड के आधार पर लोकसभा एवं राज्यसभा के सम्मिलित सदस्यों में से किन्हीं एक सदस्य को प्रतिवर्ष यह सम्मान दिया जाता है। उत्तराखंड, झारखंड, गुजरात सहित कई राज्यों में उत्कृष्ट विधायक का सम्मान दिया जाता है। हमारा प्रयास है कि अपने यहाँ पर भी ऐसी पहल हो। इसके लिए सबकी सहमति से एक व्यवहारिक मानदंड एवं चयन की प्रक्रिया निर्धारित हो। पारदर्शिता और वस्तुनिष्ठता के आधार पर निष्पक्ष रूप से उत्कृष्ट विधायक का चयन हर वर्ष हो सके, यह हमारा प्रयास है। आप सभी से हमारा आग्रह है कि इस संदर्भ में अपना अपना आज सुझाव देते, लेकिन दुखद है कि आज प्रतिपक्ष के लोग और कई विधायक उपस्थित नहीं हैं। ऐसे बिहार के उत्कृष्ट विधानसभा और उत्कृष्ट विधायक जैसे महत्वपूर्ण विषय पर उपस्थित नहीं रहना, ये बिहार के लोकतंत्र की जननी की भूमि है। इस भूमि से संदेश जाता है और इस संदेश को हम सबको मिलकर देना चाहिए। और ये संदेश की गति रुकेगी नहीं जब तक बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी के रूप में विश्व को संदेश देते रहा है, देते रहेंगे।
पुनः सबकी सहमति बनेगी तो इस पर आगे हम चर्चा कराएंगे। मैं माननीय सदस्य संजय सरावगी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने महत्वपूर्ण विषय सदन में लाया, परंतु मैं दुखी मन से इस विमर्श को आप सबों की सहमति से इसे समाप्त करता हूं। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 28 जून 2022 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 56 है। अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाए। अब सभा की बैठक बुधवार दिनांक 29 जून 2022 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।